यस, वी आर लाइव नाउ. रोहित नाम है हमारा और आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट, अ फैमिली ऑफ लर्निंग. ठीक है, चलिए. बहुत अच्छे साथियों, बात करने वाले हैं आज हम हिंदी भाषा की, हिंदी व्याकरण की बात करने वाले हैं. बहुत अच्छे से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे साथियों. तो सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन को लाइक के साथ साथ शेयर भी कर दीजिएगा. सुपर फास्ट हमारा सेशन रहने वाला है और जो क्वेश्चन हमारे रहेंगे टोटल वह रहेंगे 60 क्वेश्चन. टोटल 60 क्वेश्चन हम ढंग से करने वाले हैं. क्लियर है ना बात? जी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए मेरे ख्याल से. और आप लोगों को नोटिस भी पहुंच गया होगा, यानी कि अधिसूचना जिसको हम बोलते हैं. और अधिसूचना के बारे में हमने कल भी पढ़ा था क्या? बिल्कुल पढ़ा ही था. और साथियों करते हैं सेशन को स्टार्ट, क्वेश्चन संख्या 6 नंबर से करते हैं स्टार्ट. जी तो चलिएगा, क्वेश्चन संख्या 6 नंबर हमारा कहते क्या है फटाफट से आप लोग देखिएगा. शाबाश. क्वेश्चन संख्या 6 नंबर है कि हाड़ौती बोली है. प्यारे साथियों, हाड़ौती बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्व राजस्थान की, दक्षिण राजस्थान के, फिर उत्तरी राजस्थान की. तो ये चीज तो क्लियर है कि भाई राजस्थान की है. बट बात करते हैं 6 नंबर की, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर. भाई क्या हाड़ौती जो है ना, हाड़ौती बोली जो है ना पूर्व और मध्य पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है. और यह बोली कहाँ कहाँ पर? कोटा, बूंदी, शाहपुर और उदयपुर में प्रचलित है. तो आंसर यहाँ पर हमारा हो जाता है सिर्फ और सिर्फ भाई क्या, हाँ सभी लोग बताएंगे भी, बी आपने बताया है. बबीता जी कैसे हैं भाई? पूर्वी राजस्थान की. ओके, हाँ तो सही आंसर हमारा हो जाता है सिर्फ और सिर्फ जी बी ऑप्शन बता रहे हैं. ओके, बी ही ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा. इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है. अभी अभी हमने इसको डिस्कस किया ढंग से. क्लियर. चलिए बात करते हैं 7 नंबर की. जी 7 नंबर हमारा कहते क्या है भाई? जी यार फटाफट से देखिएगा कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त संयुक्त स्वर नहीं है. जी प्यारे साथियों, ज्वाइन कर चुके हैं यहाँ पर बबीता रामवीर और पूनम चौहान. सवा साथियों बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 7 नंबर की. तो आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ऊ. ऊ जो है ना यह है क्या है भाई? संयुक्त स्वर नहीं है. संयुक्त स्वर यहाँ पर ये नहीं है. ठीक है ना, यह क्या है? दीर्घ स्वर की कैटेगरी में आ जाता है. किसकी? दीर्घ स्वर की कैटेगरी में आ जाता है ऊ. ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन संख्या साथियों 8 नंबर की. 8 नंबर हमारा क्या कहता है? और 9 नंबर की, सचित का संधि विच्छेद है. सचित का संधि विच्छेद क्या होगा? और यह भी आप लोगों को बताएं कि सचित में कौन सी संधि होगी. चलिए बबीता, प्रियंका, रामवीर, चलिए सभी लोगों का स्वागत है भाई. तेजी के साथ आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिएगा कि डिक्टो आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है. शाबाश. जी तो साथियों बात करने वाले हैं यहाँ पर हम. हाँ रोशनी जी कैसे हैं? 8 नंबर की बात करेंगे. आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत प्लस चित. और यहाँ पर बात करेंगे संधि कौन सी है, तो संधि हो जाती है व्यंजन संधि. क्या साथियों? व्यंजन संधि यहाँ पर हमारी हो जाती है. ठीक है क्या? चलिए बिल्कुल क्लियर है. बात करेंगे 9 नंबर की कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए. तो साथियों अशुद्ध कौन सा वर्ड है यहाँ पर, यह आप लोगों को ढंग से बताना है. तो बात करते हैं 9 नंबर की. तो आपने पढ़ा है संग्रहित. संग्रहित ऐसे लिखा जाता है क्या? आप सभी लोग बताओ. ऋषि, बबीता, रोशनी, अखिलेश, कविता, हाँ शाबाश भाई. बताओ ऋषि कैसे लिखा जाता है? 9 नंबर की बात करेंगे तो देखो संग्रहित, ऋषि तो हम बाद में बताएंगे. देखो कैसे लिखा जाता है, उसकी वर्तनी भी आप लोगों को बतानी है और कवयित्री की भी आप लोगों को वर्तनी बतानी है. बट बात करते हैं संग्रहित की. अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन संख्या 9 नंबर की, तो देखो 9 नंबर में सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संग्रहित. संग्रहित साथियों किस प्रकार से लिखा जाता है यहाँ पर? इस प्रकार से लिखा जाता है, ये वाला र नहीं निकलता है, ये वाला र लगता है. बात करते हैं क्वेश्चन संख्या साथियों 10 नंबर की. 10 नंबर की क्या कहते हैं हमारा क्वेश्चन संख्या 10 की, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए. शुद्ध वर्तनी का आप लोगों को चयन करना है क्वेश्चन संख्या 10 नंबर में. चलिए बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन साथियों, लाजवाब.
तो सभी से रिक्वेस्ट है कि भी तेजी के साथ आप लोग कमेंट कीजिएगा और सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा। लाइक के साथ साथ आप सभी लोग सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा। तो 10 नंबर में हमारा कहता क्या है, क्वेश्चन संख्या 10 भाई, तो डी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाता है। यह है जो है ना पुष्टि ही हमारा सही आंसर हो जाएगा, 10 का डी बिल्कुल सही है, 10 का डी ही हमारा डिक्टो आंसर अच्छे से हो जाता है। 11 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसमें विराम चिन्ह का प्रयोग, निम्नलिखित में से किसमें विराम चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है, भगवान तुम्हारा भला करे। क्या आप गया से आ गए हैं, कहना था सो कह दिया, तुम जानो तुम जा रहे हो। तो साथियों कौन से वाक्य में यहां पर सही विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है भाई, चलिए बताइएगा भाई। बात करते हैं 11 नंबर की, भगवान तुम्हारा भला करे, क्या होगा भगवान तुम्हारा भला करे, यह बिल्कुल ही सही है। तो आंसर यहां पर हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ही गुड। सत्येंद्र जी कैसे हैं, गुड आफ्टरनून डियर। अब देखो बात कर लेते हैं क्वेश्चन संख्या 12 नंबर की और 13 नंबर की जी। क्वेश्चन संख्या 12 नंबर कहते क्या है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। साथियों कौन सा यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जुलाहा, अमेरिकी, भूकंप या फिर पुस्तक। तो बात कर लेते हैं 12 नंबर की साथियों, तो अमेरिका जो ना जातिवाचक संज्ञा नहीं है, यह क्या साथियों व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अमेरिका जो ना साथियों यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, यानी कि निम्नलिखित में से किस शब्द में परि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, पर्याप्त, परिवर्तन, प्रख्यात या फिर परिचय। तो पढ़ते ही सारा आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए कि भाई प्रख्यात में क्या है भाई। 13 नंबर की बात करेंगे, सी ऑप्शन हमारा सही आंसर रहेगा, प्रख्यात में प्र उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो आंसर यहां पर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही, ठीक है ना। हाँ साथियों ठीक है ना, तो बिल्कुल ही सही है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहां पर हमारा 14 नंबर कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य नहीं है जी, बताओ कौन सा शब्द यहां पर विशेष्य नहीं है। शाबाश भाई, अंचल, गर्मी, निश्चित या फिर तेज। तो 14 नंबर की बात करेंगे साथियों, तो निश्चित आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, निश्चित जो है ना यह विशेष्य नहीं है, यह क्या है विशेषण है, क्योंकि इसका विशेष्य होगा निश्चय होगा। तो यहां पर हमारा सही आंसर होगा निश्चित, निश्चित यह विशेषण है और इसका विशेष्य क्या होगा, विशेष्य हो जाएगा निश्चय, निश्चय हो जाएगा साथियों इसका विशेष्य, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 15 नंबर की, डियर साथियों 15 नंबर की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द यहां पर पुल्लिंग है। देखो वायु, वायु चल रही है, प्रभुता, विराम चिन्ह, छवि, आपकी छवि कैसी है। अरे भाई उसकी तो बड़ी साफ छवि है, तो वायु और छवि का तो हमें क्लियर हो गया, विराम चिन्ह और प्रभुता में बताइए कि कौन सा पुल्लिंग शब्द है। तो बात करते हैं विराम, विराम की बात करेंगे, विराम जो है ना पुल्लिंग शब्द है, जबकि बात करते हैं प्रभुता, यह भी साथियों क्या है भाई, हाँ विराम जो नहीं है पुल्लिंग शब्द है, बाकी जो ना स्त्रीलिंग शब्द की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है ना बिल्कुल। तो सी ऑप्शन ही हमारा सही आंसर हो जाता है। रश्मि जी कैसे हैं, हाँ गुड आफ्टरनून एवरीवन। अब देखो बात कर लेते हैं 16 नंबर की, प्यारे साथियों 16 नंबर कहता गया है आपका कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। सभी लोग यहां पर सही आंसर बता रहे हैं, रश्मि, प्रियंका, अनु, अंजना, रामवीर, अंश, कविता, हाँ शाबाश भाई, पूनम जी बहुत बढ़िया। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा, लाइक के साथ साथ शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। 16 नंबर की बात करते हैं, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, नियम, तुषार, सौभाग्य, फिर संविदा। तो यहां पर 16 नंबर की बात करते हैं, आंसर हो जाएगा संविदा जी, संविदा ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लगातार सही आंसर आप सभी के आ रहे हैं, धन्यवाद आप सभी का।
बात कर लेते हैं क्वेश्चन संख्या 17 नंबर की। जी 17 नंबर आपका कहता क्या है कि निम्नलिखित में से कपाट का तद्भव शब्द है। प्यारे साथियों, कपाट का आप लोग को बताना कि कौन सा यहाँ पर तद्भव शब्द है, कपड़ा, किवाड़, कांटा या फिर कमर। तो कपाट खुल गए, क्या खुल गए, कपाट खुल गए हैं। मीन्स ये आप लोग पढ़ते भी होंगे कि किवाड़ खुल गए हैं, कपाट को जाएगा किवाड़, ठीक है ना। तो सही आंसर हो जाता है हमारा सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन। प्यारे साथियों, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 18 नंबर कि निम्नलिखित में से त्रुटिपूर्ण विकल्प का चयन कीजिए। साथियों, ऐसा विकल्प कौन सा है जिसमें क्या त्रुटि है, खिचड़ी देसज, खरपर तत्सम, कुली अरबी, आलपिन पुर्तगाली। अब देखो कौन सा यहाँ पर त्रुटिपूर्ण है। जी बात करते हैं 18 नंबर की। हाँ बताओ डियर, 18 नंबर में कौन सा हमारा सही होगा। ओके ओके ओके, तो देखिए 18 नंबर का हमारा जो सही आंसर होगा कुली। कुली जो है यह अरबी भाषा का नहीं है, यह तुर्की भाषा का शब्द है। साथियों यह बिल्कुल ही गलत है, ठीक है ना। सॉरी, यह साथियों किस भाषा का शब्द है, यह तुर्की भाषा का शब्द है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से, क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहता क्या है, क्वेश्चन संख्या 19 नंबर। जी 19 नंबर की बात कर लेते हैं। चलिए बहुत अच्छे कि भाई निम्नलिखित में से किस शब्द में या जोड़कर बहुवचन नहीं बनाया गया है। या जोड़कर बहुवचन नहीं बनाया गया है, नारियां, तिथियां, नीतियां या फिर रीतियां। तो 19 नंबर में मैं देखना चाहूँगा आप सभी का कमेंट, 19 नंबर में सभी के कमेंट में रीड करना चाहूँगा प्यारे साथियों। तो भाई 19 नंबर को जाएगा यहाँ पर हमारा नारियां, नारियां ही सही आंसर हमारा हो जाता है, बिल्कुल राइट, ठीक है ना। क्योंकि साथियों नारियां में या नहीं बल्कि इया लगता है, क्या लगता है, इया लगता है, या मतलब ई का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, या नारियां, नारियां में ई का प्रयोग हम करते हैं साथियों। तो इसी संदर्भ में ए ही हमारा सही आंसर अच्छे से हो जाता है। रामनाथ जी ने बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर बताया है, उनके बाद कविता, नीरज। हाँ तीन चार लोगों का अभी तक सही आंसर आया है भाई, एटलीस्ट तीन ही लोगों का सही आंसर आया है, ठीक है ना। नारियां में इया लगता है, इया, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों आंसर यहाँ पर हो जाता है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही। 20 नंबर की बात कर लेते हैं, त्रुटिपूर्ण विकल्प का चयन कीजिए कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग होने का संबंध और अधिकरण में पर। अब देखो विभक्ति क्या है, 20 नंबर की बात करेंगे, सी आप आंसर हमारा सही हो जाता है। संप्रदान की विभक्ति क्या होती है डियर साथियों, कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, तो यहाँ पर हमारा सी ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा प्यारे साथियों, आप सभी से मैं पूछना चाहूँगा कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। सभी लोग बताएंगे विशेषण के कितने भेद होते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन संख्या 21 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ये बताइए कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या डेयर 21 नंबर की तरफ। 21 नंबर हमारा कहते क्या है भाई, हाँ के लिए, शाबाश। बात करते हैं 21 नंबर की, स्वाति जी बता रहे कि विशेषण के होते हैं चार भेद, बिल्कुल सही है डियर, बिल्कुल सही है। गौरी शंकर में कौन सा समास है, देखिएगा गौरी शंकर में आप लोगों को बताना है, हाँ को के लिए, बिल्कुल सही है, चार होते हैं विशेषण के भेद, बिल्कुल लगातार सही आपने बताया, धन्यवाद आप सभी का। अब देखो बात कर लेते हैं डियर क्वेश्चन संख्या 21 नंबर की कि गौरी शंकर में कौन सा समास है। 21 नंबर में तो देखिएगा गौरी और शंकर, क्या होगा, गौरी और शंकर, मीन्स ये कि यहाँ पर हमारा द्वंद समास हो जाता है, क्योंकि इसमें जो ना द्वंद समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, गौरी और शंकर, जैसे माता पिता, दिन और रात, दाल रोटी, इस प्रकार से, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन संख्या डियर 22 नंबर की। प्यारे साथियों 22 नंबर हमारा कहता क्या है कि निम्नलिखित किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम आपका प्रयोग हुआ है।
निजवाचक सर्वनाम आपका प्रयोग हुआ है। और आप लोग को इसके साथ साथ ये भी बताना है कि साथियों सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, किसके साथियों सर्वनाम के कितने भेद होते हैं यह भी आप लोग को बताना है। सर्वनाम के भेद भी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। अब देखो बात करते हैं 22 नंबर की, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा राइट, कि आप भला तो जग भला, यानी कि मैं खुद भला तो दुनिया भली है, और मैं बुरा हूँ तो दुनिया बुरी है, तो आप भला तो जग भला, यानी कि सही आंसर हमारा हो जाता है बी ऑप्शन राइट। और साथियों सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, सभी लोग ढंग से जानते हैं ना, बिल्कुल अच्छे से आप लोग जानते हैं 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। हाँ शाबाश भाई, शाबाश, बहुत बेहतरीन। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा कहता है क्या है, क्वेश्चन संख्या 23 नंबर। हाँ बिल्कुल सही है प्रियंका जी, बिल्कुल सही बताया है बबीता जी, स्वाति और अंश, पंकज, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी लोग सही बता रहे हैं। बात करते हैं 23 नंबर की, कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। प्यारे साथियों यहाँ पर आप लोगों को बता रहे कि कौन सा विशेषण नहीं है, लाघव, मूर्छित, पाठ्य या फिर राष्ट्र। हाँ बिल्कुल सही है साथियों, बात कर लेते हैं 23 नंबर की, तो राष्ट्र जो है ना विशेष्य है, राष्ट्र जो है ना साथियों विशेष्य है, और इसे इसका जो ना विशेषण क्या होगा, इसका विशेषण हो जाएगा राष्ट्रीय। प्यारे साथियों इसका विशेषण हो जाएगा क्या, राष्ट्रीय हो जाता है। तो इसी संदर्भ में बात करते हैं, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा प्यारे साथियों। हाँ सर्वनाम के 5 भेद नहीं होते हैं डियर, 6 भेद होते हैं सर्वनाम के, ठीक है। बात कर लेते हैं प्यारे साथियों यहाँ पर 24 नंबर की, 24 नंबर है कि जिस क्रिया का कर्म हो उसे कहते हैं, देखिएगा जिस क्रिया का कर्म हो उसे कहते हैं, और क्रिया के भेद भी आप लोगों को बताने हैं साथियों कि क्रिया के भेद कितने होते हैं जी। तो 24 नंबर का आंसर हो जाता है सहकर्मक क्रिया, साथियों जिस क्रिया में काम हो रहा होता है तो वह क्या होती है, सहकर्मक क्रिया होती है। और क्रिया 2 प्रकार की होती है, यानी कि क्रिया के जो भेद हैं वह 2 भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सहकर्मक क्रिया, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, अकर्मक और सहकर्मक, 2 भेद होते हैं क्रिया के। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा कहता क्या है, क्वेश्चन संख्या 25 नंबर, निम्नलिखित में से त्रुटिपूर्ण विकल्प का चयन कीजिए। प्यारे साथियों त्रुटिपूर्ण विकल्प का आप लोगों को चयन करना है कि कौन सा यहाँ पर विकल्प गलत है, कि शिवार्पण तत्पुरुष, श्याम सुंदर अविभाव, नवग्रह दिगु, वज्रायुध बहुव्रीहि समास। तो साथियों यहाँ पर कौन सा गलत है, बिल्कुल पंकज जी आपने सही बताया है, अंश, कविता, शाबाश, लगातार सही आंसर आप लोग बता रहे हैं, आप सभी का धन्यवाद। और 25 नंबर में आंसर हमारा हो जाता है आप बी आप बता रहे हैं, डी भी बता रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पर 25 नंबर की बात करेंगे, बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा, श्याम सुंदर में साथियों अव्यभाव समास नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा हमारा कौन सा समास, सभी लोग बताओ साथियों कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास यहाँ पर हो जाता है, कौन सा प्यारे साथियों, कर्मधारय समास यहाँ पर बहुत अच्छे से हो ही जाता है, क्लियर है ना, शाबाश भाई, हाँ कर्मधारय होगा, बिल्कुल बता रहे हैं पंकज जी, बिल्कुल सही बताया भाई, बहुत ही ढंग से आंसर आप लोगों ने बताया है सही। 26 नंबर की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाच्य का है, साथियों भाववाच्य का है कौन सा वाक्य है, और यहाँ पर आप लोगों को वाच्य के भेद भी बताने हैं साथियों, वाच्य के भेद भी आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताने हैं, क्योंकि जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है उसके हमें भेद भी पता होने चाहिए। और 26 नंबर की बात कर लेते हैं, आंसर हो जाता है सी ऑप्शन की, मुझसे चला नहीं जाता, क्या मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, मुझसे पिया नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, कुछ भी कह लीजिएगा, यहाँ पर भाव की बात हमारी चल रही है। और साथियों वाच्य के कितने होते हैं भाई, बोल रहे कि वाच्य के कितने भेद होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने बताया, सिर्फ और सिर्फ पंकज जी बता रहे हैं कि 3 भेद होते हैं, जबकि सत्येंद्र जी बता रहे हैं सही 3 भेद, स्वाति शाबाश डियर, वाच्य के 3 ही भेद होते हैं, बहुत बेहतरीन भी, लाजवाब,
अति सुंदर, बहुत अच्छी तैयारी आप लोगों की, इसका मतलब तो हिंदी को तो आप लोग पी जाएंगे बिल्कुल ही, है ना, पक्की बात है ये। और बात करते हैं 27 नंबर की, कि निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। साथियों समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, बात कर लेते हैं 27 नंबर की। प्यारे साथियों सेशन अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ करना क्या, आप लोगों को शेयर भी करना है, लाइक के साथ साथ शेयर भी आप लोगों को जरूर करना है। और 27 नंबर की बात करेंगे, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन जी। ओके चलिए बहुत अच्छे, बी ऑप्शन हमारा साथियों राइट आंसर अच्छे से हो जाता है। अब देखिएगा बात कर लेते हैं क्वेश्चन संख्या, ओके जूम कर लेंगे जिससे कि आप लोगों को बहुत अच्छे से दिखाई दे सके। हाँ अब सही है क्या, बिल्कुल अब सही है। बात करेंगे 28 नंबर की, कि दुखी लोगों की मदद करो, इस वाक्य में दुखी शब्द किस प्रकार का विशेषण है, कि भाई दुखी लोगों की मदद करो, ठीक है ना। तो दुखी लोगों की मदद करो, इस वाक्य में दुखी शब्द किस प्रकार का विशेषण है 28 नंबर में। तो देखो गुणवाचक विशेषण, यहां पर गुणवाचक विशेषण हमारा सही आंसर हो जाता है भाई, ठीक है ना। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही अच्छे से सही आंसर हो जाएगा, कि गुणवाचक है, उसका क्या गुण है कि वह क्या है, दुखी है। तो प्यारे साथियों सी ऑप्शन सभी लोग बता रहे हैं यहाँ पर, शाबाश भाई बहुत बेहतरीन, लाजवाब भाई बहुत लाजवाब आप लोग सभी आंसर दे रहे हैं, सभी का धन्यवाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा कहता क्या है, क्वेश्चन संख्या साथियों 29 नंबर की बात कर लेते हैं जी। ईवीएस की और संस्कृत क्लास क्यों नहीं हो रही, नीरज जी मैं समझ रहा हूँ कि आज हमने सुबह जो है ना किसकी क्लास की थी, एसएसटी क्लास की थी, आप लोगों की डिमांड आई थी एसएसटी की, लेकिन आप लोगों ने इतना सपोर्ट नहीं किया, तो मैं समझता हूँ 10:30 बजे सुबह ईवीएस को ही हम कराने वाले हैं फिर से, ठीक है ना। जानवी जी बताइएगा क्या क्वेरी है आपकी डियर। बात करते हैं 29 नंबर की, कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी भाषा का शब्द नहीं है। प्यारे साथियों कौन सा शब्द यहाँ पर फारसी भाषा का नहीं है, तो बात करते हैं 29 नंबर की। तो देखो इमारत जो है ना फारसी भाषा का नहीं है, यह अरबी भाषा का शब्द है। साथियों क्या इमारत यह अरबी भाषा का शब्द है, किसका शब्द है, ये अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों आंसर क्या होगा, आंसर सी ही हमारा अच्छे से हो जाता है राइट। नहीं ये तो गलत बात है, जानवी जी बोले कि अगर बॉडी पर टैटू है तो, अरे भाई गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, कौन बोल रहा है कि डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अरे भाई आप डिफेंस में थोड़ा ही ना जा रहे हैं, आप पुलिस में जा रहे हैं या फिर आप आर्मी में जा रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा इश्यू हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं होगा, दूर दूर तक कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं भी टैटू हो चलेगा, सब चलेगा डियर, ये गलत है बिल्कुल, ठीक है, इसमें ऐसा कोई भी संशय वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ डिफेंस की बात होती है डियर, वह जो ना डिफेंस की बात होती है, इसमें ऐसा कोई भी चीज़ मैटर नहीं करता है। और बात करते हैं 30 नंबर की, कि चटनी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, चटनी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है भाई। बात करते हैं 30 नंबर की, ठीक है, हाँ 30 नंबर की बात करते हैं, हाँ बहुत बढ़िया। देखिएगा बात करते हैं 30 नंबर की साथियों, सही आंसर हमारा हो जाता है क्या भाई, बात करते हैं 30 नंबर की चटनी, बताओ चटनी में कौन सा प्रत्यय है, तो चटनी, चटनी बी ऑप्शन ही हमारा सही आंसर अच्छे से हो जाता है, ठीक है, बी ऑप्शन ही हमारा ढंग से सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 31 नंबर की जी, 31 नंबर की बात कर लेते हैं साथियों, कहता क्या है आपका, कि भाई बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय लगा है। देखो टैटू की बात अगर हम करें तो टैटू मैंने आपसे बताया कि फोर्स लाइन में जाते तो उसमें देखा जाता है कि आपके शरीर पर टैटू कहाँ कहाँ पर है, अगर जो हमारी कोनी है, कोनी से अगर आगे आगे होगा तो वह मान्य नहीं होगा, अगर कोनी से पीछे है टैटू तो वह मान्य हो जाता है, वो भी डिफेंस में, बाकी इनमें कुछ भी नहीं होता है, सब जो है ना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उन 31 नंबर की बात करेंगे, बुढ़ापा में पा प्रत्यय लगा है, बुढ़ापा, बुढ़ापा
साथियों सही आंसर हो जाता है 31 नंबर की बात करेंगे, 31 का सी। देखो 31 का ए आंसर हमारा राइट हो जाएगा, बुढ़ापा बुढ़ापा बुढ़ापा, तो पा यहां पर सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, ए ही ऑप्शन हमारा डिक्टो सही आंसर हो जाएगा। साथियों सी नहीं होगा प्रियंका जी, गलत आंसर मत दीजिएगा, बुढ़ापा बोल के देखो, बुढ़ापा बुढ़ापा तो लास्ट में कह रहा है, पा रहा है ना बुढ़ापा। हाँ तो सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन को भी लाइक तो करना ही है, शेयर भी करना है। अब देखो डिसलाइक पता नहीं क्यों कर रहे हैं, समझ नहीं आता हमारे तो डिसलाइक क्यों करते हैं भाई, कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं भाई। बात करते हैं 32 नंबर की, कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण पदबंध है, कि इतने धनी मनी व्यक्ति शेर के समान बलवान मुझ अभागे ने पहले से बहुत धीरे, तो 32 नंबर की बात करते हैं। हाँ जी 32 डी आप बता रहे हैं, अनुजी ने बताया है डी, तो देखो 32 नंबर की बात कर लेते हैं, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन की, पहले से बहुत ही धीरे। अनुजी लाजवाब, बिल्कुल लाजवाब आपने आंसर दिया है, थैंक यू सो मच। साथियों डी ऑप्शन ही हमारा डिक्टो आंसर हो जाता है। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया है 100% वाला, यह क्वेश्चन 33 नंबर जो ना 100% वाला क्वेश्चन है ये, कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा हरे का अनेक अर्थक शब्द नहीं है, विष्णु इंद्र हाथी या फिर सिंह। जी तो बात करते हैं कौन सा यहाँ पर नहीं है, तो 33 नंबर में डियर आंसर हो जाता है सिरिवोरशिप सी ऑप्शन, हाथी जो ना यह हरे का अनेकार्थक नहीं है, जबकि विष्णु इंद्र सिंह यह जो ना सांप भी क्या हरे के अंतर्गत ही आता है। ठीक है हाँ बहुत अच्छे, हाँ प्यारे साथियों सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल अच्छे से सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जी अगला क्वेश्चन कहता है आपका 34 नंबर, कि निम्नलिखित शब्द युग्म के अर्थ से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। देखो इसका आप लोगों को बताने की अब्ज और अब्द का आप लोगों को बताने की कौन सा भाई असंगत है, असंगत नहीं कौन सा सही है यहाँ पर, तो बात करते हैं अब्ज और अब्द की, तो 34 नंबर का सही आंसर होएगा कमल और बादल, क्या होगा कमल और बादल हमारा सही आंसर होएगा। अब ये तो लड्डू ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया 35 नंबर की, अधजल गगरी छलकत जाए कहावत अर्थ है, जी अधजल गगरी छलकत जाए कहावत अर्थ है, कि घोड़े से पानी गिरना डींग हाँकना अपनी कमी बताना है फिर दूसरों का दोष देखना। तो देखो बात करते हैं 35 नंबर की, तो भाई सही आंसर हो जाता है अधजल गगरी छलकत जाए, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा डींग हाकना। इसमें जो ना ऑप्शन चेंज कर दिए गए हैं थोड़ा सा कठिन करने के लिए, साथियों कठिन करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन चेंज कर दिए हैं, कि देखना चाहते हैं कि आप लोग कितना जानते हैं मुहावरे के बारे में, डींग हाकना बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 36 नंबर की, 36 नंबर कहता है आपका साथियों कि भाई अच्छे से आप लोग देखो, कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, प्यारे साथियों संयुक्त वाक्य का कौन सा यहाँ पर उदाहरण है यह आप लोगों को ढंग से बताना है भाई। हाँ शाबाश, थोड़ा सा हम फास्ट करना चाहेंगे क्योंकि हमारे पास 10 ही मिनट बचे हैं। अब देखो 36 नंबर में आंसर हो जाता है सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन, मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, ये क्या है संयुक्त वाक्य है। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहता क्या है भाई 37 नंबर, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशु निरंतर गावे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अच्छा आप लोग बताइएगा, आप लोग को ऐसा लग रहा है कि भाई किस चीज की आवृत्ति हो रही है, बात हो रही है क्या, 37 नंबर की बात कर लेते हैं, तो यहां पर हो जाएगा वृत्त अनुप्रास। साथियों वृत्त अनुप्रास यहाँ पर हमारा सही आंसर अच्छे से हो जाता है, यानी कि बी ही ऑप्शन, प्यारे साथियों बी ही ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। जी बिल्कुल पीडीएफ मिल जाएगी डियर, बिल्कुल आप लोगों को करना क्या है भाई, टेलीग्राम ग्रुप पे जाइएगा और हमारे साथ जुड़ जाइएगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है,
और ये क्वेश्चन हम नहीं करने वाले हैं। 38 क्वेश्चन हम इसको नहीं करने वाले हैं, ज़्यादा ही समय लग जाएगा। इसमें क्या करना होता है कि आरोही क्रम में लगाना होता है, जैसे क्या 1 2 3 4 एक वाक्य है उसके पार्ट कर दिए गए हैं, आप लोगों को जोड़ के इसमें से लगाना था, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो इसको हम नहीं कर रहे, कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 39 नंबर की। ये क्वेश्चन वाक्य में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन वाक्य में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, प्यारे साथियों, कि कौन सा वाक्य यहाँ पर शुद्ध है। तेजी के साथ आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिएगा। चलिए हम देखना चाहेंगे कि कौन कौन स्टूडेंट्स यहाँ पर सही आंसर बता रहे हैं। भाई 39 नंबर का देखो, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। मेरा जो है ना, मेरा एक भाई और 5 बहनें, यानी कि कम संख्या तो आएगी पहले, देखो कम संख्या तो आएगी पहले, ठीक है ना, और ज़्यादा संख्या आएगी बाद में। तो मेरा एक भाई और 5 बहनें, तो कविता जी मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी क्लास डेली सुबह जो है ना 10:30 बजे होती है, आज तो हमने क्लास ऐसे ही ले ली है, 10:30 बजे हमारी क्लास होती है। भाई आप सभी से निवेदन है कि डेली विजिट करें, ठीक है ना। और एक क्लास हमारी होती है कब, 5:30 बजे होती है, चाइल्ड डेवलपमेंट और हिंदी की। सुबह होती है हमारी EVS और SST, और शाम को 9 बजे किसकी होती है भाई, अभी तो फिलहाल में नहीं चल रही है, लेकिन संस्कृत की होती है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता का पर्यायवाची नहीं है, प्यारे साथियों, देवता का यहाँ पर पर्यायवाची नहीं है। हाँ, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, बिल्कुल सही है। 40 नंबर की बात करेंगे, वास्तव, वास्तव किसका है भाई, आप सभी लोग बताओ। 40 नंबर की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो देखो, वासव देवता का नहीं है, यह साथियों इंद्र का पर्यायवाची है। किसका, इंद्र का पर्यायवाची है, क्या है, वासव है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं 41 नंबर की, थोड़ा सा फास्ट हम करने वाले हैं, यकीन मानेगा ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे, पक्की बात है, आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं, लेवल के क्वेश्चन नहीं है। 41 नंबर की बात करेंगे, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, परीक्षा गुरु आनंद मठ, गबन या फिर तितली। तो 41 नंबर में परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है भाई, प्यारे साथियों, 41 नंबर की बात करेंगे, लाला श्रीनिवास द्वारा लिखित है परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास द्वारा लिखित है क्या, परीक्षा गुरु, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल। और साथियों आनंद मठ किसका है, बंकिम चंद्र का है, और गबन मुंशी प्रेमचंद्र। तितली की बात करते हैं, जयशंकर प्रसाद, आप सब भी लोग जानते हैं। 42 नंबर की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प त्रुटिपूर्ण है, प्यारे साथियों कौन सा विकल्प यहाँ पर त्रुटिपूर्ण है। अब देखो आप सभी लोग जानते हैं तितली किसका है, जयशंकर प्रसाद का, ये बहुत बार पूछा जाता है आपसे। अब देखो यहाँ पर कौन सा विकल्प त्रुटिपूर्ण है, गरल सुधा, चिरंतन नश्वर, अग्रविग, निर्दोष, अदोष। तो 42 नंबर की बात करेंगे साथियों, निर्दोष का जो ना विलोम सदोष होता है, प्यारे साथियों निर्दोष का पता क्या होता है, निर्दोष का होता है सदोष, सदोष होता है, निर्दोष का होता है सदोष, अदोष नहीं होता है। तो इसी संदर्भ में जो डी ऑप्शन है ना हमारा, यह सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको भी हम करेंगे, इसको भी हम करेंगे, भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि न हो तो डी भाग का चयन कीजिए। कि वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे, इसमें बताओ कौन से भाग में त्रुटि है, यानी कि कौन सी ऑप्शन में प्यारे साथियों त्रुटि है। तो 43 नंबर की बात करेंगे साथियों, तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा जी, 43 नंबर में, तो देखिएगा यहाँ पर जो ना कि हम विद्रोही शत्रु, यानी कि यहाँ पर जो ना सही आंसर हमारा हो जाता है सिर्फ और सिर्फ जी 43 नंबर में बता रहे हैं क्या भाई। हाँ गुड आफ्टरनून, जो स्टूडेंट्स हमारे साथ अभी जुड़े हैं सभी का धन्यवाद। 43 नंबर का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, कि हम विद्रोही शत्रु, या तो शत्रु होता है या फिर विद्रोही होता है, एक चीज़ यहाँ पर होता, तो बी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए और हम थोड़ा सा फास्ट करने वाले हैं, क्योंकि मनोज सर की क्लास अभी स्टार्ट होने वाली है 2 बजे अनअकैडमी पर, आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते ही हैं, पुरस्कार का विलोम है साथियों। 44 नंबर की बात करेंगे, पुरस्कार का जो विलोम है तिरस्कार होता है, क्या होता है, तिरस्कार होता है। तो आंसर यहाँ पर हो जाता है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारा डिक्टो सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन संख्या साथियों 45 नंबर की,
45 नंबर आपका कहता है कि निम्नलिखित में से त्रुटिपूर्ण विकल्प का चयन कीजिए कि जिसके चार भुजाएं चतुर्भुज, जिसके 10 आनन हैं 10 आनन, जो मुकदमा दायर करता है प्रतिवादी, जो 2 बार जन्म लेता है द्विज। तो 45 नंबर की बात करेंगे, आप सभी जानते हैं भाई सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा कि जो मुकदमा दायर करता है प्रतिवादी नहीं होता है। सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल राइट। हम इसलिए फास्ट चल रहे हैं क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी रीजन बता ही दिया है। 46 नंबर की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प त्रुटिपूर्ण है, कौन सा विकल्प यहाँ पर साथियों हाँ त्रुटिपूर्ण है कि दिन दूना रात चौगुना, खूब उन्नति, जमीन पर पैर न पड़ना, अधिक घमंड करना, पो बारह होना, भारी व्यवत्याना, तूती बोलना, प्रभाव जमाना। तो 46 नंबर की बात करेंगे, सी ऑप्शन हमारा सही आंसर अच्छे से हो जाता है कि पो बारह होने का मतलब भारी विपत्ति नहीं होता है। साथियों पो बारह का मतलब होता है कि खूब लाभ होना, क्या होता है खूब लाभ होना। 47 नंबर देखिएगा प्यार साथियों, 47 नंबर आपका कहता है क्या है कि अद्भुत रस का स्थायी भाव है। अद्भुत रस का साथियों स्थायी भाव क्या होता है भाई, कल्पना जी कैसे हैं, गुड इवनिंग। जो साथी हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं सभी का वेलकम और सेशन को लाइक जरूर करेंगे ऐसा मेरा मानना है। अब देखो अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय, क्या होता है विस्मय होता है, ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 48 नंबर की तरफ। 48 नंबर आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प त्रुटिपूर्ण है, प्यारे साथियों कौन सा विकल्प यहाँ पर त्रुटिपूर्ण है भाई, पर्वत अचल नग तुंग, वृक्ष तरु द्रुम गाछ, रात सर्वरी विभावे क्षणदा, सोना हाटक जातरुग और पन्नग। 48 नंबर में आप सभी लोगों का आंसर आ रहा है क्या भाई, क्या आंसर आ रहा है आप सभी का भाई, डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, सोना हाटक जातरु पन्नग, यह बिल्कुल त्रुटिपूर्ण है, यह क्या है त्रुटिपूर्ण है। रामवीर जी का सही आंसर आ चुका है भाई जी, एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहे हैं आप लोगों को, मैंने रीजन बता ही दिया है भाई। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 49 नंबर है और 50 की, जायसी मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत इनमें से क्या है जी, साथियों पद्मावत क्या है भाई, और गाजीपुर में बोली जाने वाली बोली कौन सी है, यानी कि गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है भाई। हाँ बहुत ही बेहतरीन, तो बात करते हैं साथियों यहाँ पर हम 50 नंबर की, 49 और 50 नंबर सी आंसर हो जाएगा 49 का, और 50 की बात करें तो आंसर हो जाएगा भोजपुरी, भोजपुरी ही हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा कहता क्या है, ये क्वेश्चन हमने कल भी पढ़ा है, पढ़ा है क्या कि जिसके हृदय में ममता नहीं है, वाक्यांश के लिए सही शब्द है, ये क्वेश्चन हमने कल भी पढ़ा है बहुत ही अच्छे से। तो आंसर क्या होगा भाई, हाँ जिसके हृदय में ममता नहीं है, निर्मम आपका सही आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा निर्मम हमारा, डिक्टो आंसर अच्छे से हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 52 नंबर की प्यारे साथियों कि पैसे से मनुष्य के जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, तो रेखांकित वाक्य के लिए एक शब्द आप लोगों को बताना है भाई। 8 क्वेश्चन और हमारे पास बचे, मैं समझता हूँ 1-2 मिनट में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है ना, बिल्कुल। तो बात करते हैं 52 नंबर की, आंसर हो जाता है यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए, जीजी विषा, जीजी विषा यहाँ पर हमारा सही आंसर अच्छे से हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 53 नंबर जी, 53 नंबर है कि साथियों की इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है, रेखांकित मुहावरे का अर्थ है, यानी कि टेढ़ी खीर का आप लोगों को बताना कि क्या अर्थ होगा। 53 नंबर, तो भी कठिन कार्य होना, क्या आंसर होगा डियर, कठिन कार्य होना, इनके बी ऑप्शन ही हमारा सही आंसर अच्छे से हो जाता है। इन सभी के आंसर आप लोग बहुत अच्छे से जानते ही हैं, इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट ही चल रहे हैं, ठीक है। बात करते हैं 54 नंबर की, निम्नलिखित में से सघोष वर्ण कौन सा है प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से सघोष वर्ण कौन सा है, सभी लोग टाइप करने की जो अपनी स्पीड है थोड़ी सी बढ़ा दीजिएगा, थोड़ी सी बढ़ा दीजिएगा टाइप करने की स्पीड अपनी, और 54 नंबर की बात करेंगे, सही आंसर होगा बै, क्या आंसर होगा सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 54 नंबर की बात करेंगे सी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। बात करते हैं 55 नंबर की कि भाई निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है कि नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल निरद सी कल कांति थी,
यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर अतिशयोक्ति? तो यहाँ पर सा सी लगा हुआ है, तो हम क्यों ना भाई ए ऑप्शन को क्लिक करेंगे, उपमा। जहाँ पर सा और सी आ जाए वहाँ पर क्या होगा भाई, उपमा अलंकार हो जाता है। बात करते हैं 56 नंबर की, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। बिल्कुल ही लड्डू क्वेश्चन है, बिल्कुल ही लड्डू क्वेश्चन है साथियों। क्या होगा? रति होगा, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 57 नंबर और 58 नंबर, 57 नंबर और 58 नंबर की, गुनाहों का देवता के रचयिता हैं और पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? साथियों पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदेय द्वारा रचित है और सभी लोग जानते हैं। 57 नंबर की बात करेंगे, धर्मवीर भारती, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और बात करेंगे 58 नंबर की, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आदिकाल। ठीक है ना, इसका हमारा आदिकाल सही आंसर अच्छे से हो जाता है। क्लियर होगी बात? क्लियर है ना। अब हमारे पास बचते हैं दो क्वेश्चन और ये होंगे आज के सेशन के साथियों हमारे लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, हमने थोड़ा सा स्पीड को अप किया है। मैं समझता हूँ आप लोगों को सेशन जरूर पसंद आ रहा होगा और लाइक तो आप लोग करेंगे ही। ठीक है, अब यहाँ पर 59 और 60 ये होंगे आज के सेशन के हमारे लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, कि अतः शब्द का समानार्थी आप लोग को पहचानना है भी, अन्यथा अतएव परिमाणते ही फिर परिणामते ही फिर अस्तु। 59 नंबर की बात करते हैं जी। और साथियों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों। ठीक है, 59 नंबर की बात करेंगे, अतएव यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर ये होगा आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 60 भाई, कि ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ है। सभी लोग जानते हैं, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है, 2-3 की कक्षा में हमने पढ़ा है, कक्षा 2-3-4-5 में हमने पढ़ा है हिंदी की बुक में, कि ऊंट के मुंह में जीरे का अर्थ होता है सिर्फ और सिर्फ भाई क्या, कि बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। तो सी ऑप्शन हमारा डिट्टो सही आंसर अच्छे से हो जाता है। तो मैं समझता हूँ आप लोगों को सेशन जरूर ही पसंद आया होगा साथियों, तो भाई लाइक कीजिएगा, लास्ट में लाइक कर दीजिएगा, कम से कम 50 तो लाइक कर ही दीजिएगा। ठीक है, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फटाफट से, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और भाई मिलते हैं फिर कल सुबह 10:30 बजे, सभी लोग विजिट कीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।